जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आज मैं फिर से ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर आपको सीखने की कड़ी में एक और दिशा आगे की तरफ, एक और कदम आगे की तरफ लेकर चलता हूं। दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा ज्योतिष विद्वान बोलते हैं कि फलाना ग्रह नीच का हो गया, फलाना ग्रह उच्च का हो गया, और एक आम आदमी की समझ में ये आता ही नहीं है कि कभी उच्च का कैसे हुआ और नीच का कैसे हुआ। कई लोग इसको मजाक में ले लेते हैं, कहंदा जी जेड़े कुंडली दे ऊपर पए उनके ग्रह उच्च के हो गए, जेड़े थोड़े नीचे पड़े होंगे वो नीच के हो गए। तो दर्शकों, ऐसा नहीं होता। उच्च के ग्रह की डेफिनेशन ये होती है कि जहाँ ग्रह बाउंडेड हो जाए अच्छा रिजल्ट देने के लिए, बाध्य हो जाए वो अच्छा रिजल्ट देने के, चाहे वो कितना भी बुरा ग्रह क्यों ना हो, लेकिन अगर वो उच्च का हो जाता है तो वो बाध्य हो जाता है कि वो अच्छा फल जरूर देगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक इंसान मंदिर में चला जाता है, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वहाँ वो बुरा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसी स्थिति में बैठा है, एक उच्च जगह में बैठा है, वहाँ वो बन गया अच्छा करने के लिए। या इसको एक और एग्जांपल देके समझ लीजिए। जब हम छोटे थे तो अपना किसी दोस्त मित्र जिसके पास बहुत सारे खिलौने, साइकिल, घर में पाक खाने के लिए उनके मम्मा कुछ देते थे, तो हमें वहाँ जाना बहुत पसंद था, तो हमारा मन खुश हो जाता, अच्छा फलाने दोस्त के घर जाना है, वाह भाई वाह, मन खुश हो जाता था। उसी तरह से इस शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूँगा कि उच्च ग्रह का मतलब होता है द प्लैनेट इज बाउंड टू बी गुड रिजल्ट फॉर यू, वो बाध्य हो जाता है अपने आप में रिजल्ट्स को अच्छा देने के लिए। इस पे अगर आप इस चार्ट की तरफ ध्यान देंगे तो आप गौर करोगे कि यहाँ एक नंबर राशि लिखी हुई है और यहां लिखा है सन। तो दर्शकों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी कुंडली में कहीं भी अगर एक नंबर लिखा हो और उसमें सूर्य लिखा हो, आपकी कुंडली में 12 भावों में यह कहीं भी हो सकता है। अगर एक नंबर में सूर्य लिखा होगा तो आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का माना जाएगा और सूर्य नॉर्मल से ज्यादा अच्छा प्रभाव देने वाला माना जाएगा, क्योंकि एक नंबर में सूर्य उच्च राशि का माना जाता है, ये बाउंड हो जाता है हमें अच्छा रिजल्ट देने के लिए। दूसरी राशि में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, लेकिन साथ में राहु भी इसी राशि में उच्च का माना जाता है। राहु की बहुत सदियों से ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है कि राहु देवता 2 नंबर में भी उच्च के माने जाते हैं और ये 3 नंबर में भी उच्च के माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शुक्र के भी अति मित्र हैं, ये बुध के भी अति मित्र हैं। राहु और केतु को ब्रह्मा देव ने कोई भी घर नहीं दिया हुआ कुंडली में, ये दोनों ही बाउंडेड हो जाते हैं, इन दोनों घरों में उच्च के कंसिडर किए जाते हैं और दोनों ही घरों में ये अच्छे फल देने में बाध्य हो जाते हैं। बात करते हैं यहाँ 4 नंबर की। 4 नंबर में अगर किसी का बृहस्पति पड़ा हो तो ये माना जाता है कि बृहस्पति यहाँ उच्च के फल देता है, मतलब सबसे अच्छे फल देता है, वो बंध जाता है यहाँ अच्छा करने के लिए। कुंडली में कहीं भी पड़ा हो, अगर 4 नंबर में बृहस्पति लिखा होगा तो हम ये कंसिडर करके चलेंगे कि बृहस्पति देवता उस कुंडली में उच्च के पड़े हुए हैं। 5 नंबर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, कोई ग्रह नीच का नहीं होता। अगर 6 नंबर की तरफ ध्यान देंगे तो ये बुध देवता की अपनी मूल त्रिकोण राशि है। एक बुध ही ऐसा ग्रह है जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही उच्च का होता है और हर कोई प्लैनेट दूसरी राशियों में उच्च के हुआ करते हैं, तो बुध देवता अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च का माना जाता है, वहां वो अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाता है। बात करते हैं 7 नंबर में शनिदेव की। शनिदेव 7 नंबर में उच्च के माने जाते हैं, तुला राशि में उच्च के माने जाते हैं, जो हर 27.5 साल बाद आने हैं और इसी साल नवंबर में ये इसी राशि में 27.5 साल बाद अपना भ्रमण शुरू करेंगे, 2.5 साल वो यहां चलेंगे। बात करते हैं केतु देवता की।
राहु के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, क्योंकि ये दोनों एक एक्सिस पे चलते हैं। कुंडली में जितने डिग्री पे राहु होगा सदैव उतने ही डिग्री पे केतु होगा। ये जस्ट लाइक अ सीसो है, अगर बच्चों के पार्क में जाओ तो एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा उधर बैठता है, ऐसे चलते हैं। जितना एक बच्चा नीचे जाता है दूसरा उतना ही ऊपर जाता है। उसी तरह से अगर राहु एक डिग्री जितनी डिग्री का दूसरे नंबर राशि में पड़ा है उतनी ही डिग्री का केतु आठ नंबर राशि में पड़ा होगा। बात करते हैं नौ नंबर राशि में, यहां भी केतु उच्च का माना जाता है, क्योंकि राहु जब तीन नंबर में उच्च का होगा तो केतु धनु राशि में नौ नंबर राशि में उच्च का माना जाएगा। जितने डिग्री पर यहां राहु होगा उतने डिग्री पर ही यहां केतु होगा। हमेशा आमने सामने ही चलते हैं। कई झोला छाप पंडित, अरे आपकी तो कुंडली में राहु केतु इक्वल डिग्री के हो गए। अरे मेरे भाई, वो पूरी सृष्टि में सदा हर एक की कुंडली में इक्वल डिग्री पे ही चलते हैं। वो एक दूसरे के आमने सामने ही रोटेट करते हैं, उनकी रोटेशन में कोई फर्क नहीं है। तो ये हैरान होने वाली बात नहीं है, ये सबकी कुंडली में एक जैसा ही है। बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता कैप्रिकॉर्न राशि में उच्च के माने जाते हैं। ये शनि देव की साधारण राशि है, जैसा मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। यहां मंगल पूर्णतः उच्च के माने जाते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल देवता ये अति शत्रु की राशि में आकर के उच्च के होते हैं, लेकिन ये सदैव अच्छा फल देने के लिए बाध्य बन जाते हैं दस नंबर में। बात करते हैं लास्ट वीनस देवता की, शुक्र देवता। शुक्र देवता कुंडली में अगर 12 नंबर में कहीं भी पड़े होंगे तो वो उच्च के माने जाएंगे। दर्शकों, ये जो मैंने आपको चार्ट बताया है इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही अपनी कुंडली कॉपी की कुंडली बना करके ऐसे ही उसको ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको उच्च नीच याद करने में हेल्प करेगा। आम आदमी लिख देता है सूरज ये एक नंबर राशि में उच्च का, चंद्रमा ये दो नंबर राशि में उच्च का, तो आप इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर लोगे तो याद करने में आसानी रहेगी। और इसको सिंप्लीफाई करूं, आप सामने आमने मान लीजिए सूर्य और शनि, एक नंबर से यहां शुरू कीजिए। यहां सूर्य देवता है, यहां शनि देव है, यहां बृहस्पति है, यहां मंगल है। इसको अगर दो मिनट के लिए आंख बंद करके रिवीजन कर लोगे, इसी चार्ट को इसी तरह लिख लोगे, ड्रॉ कर लोगे, अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लोगे परमानेंटली, इसको सुबह शाम दो चार बार आप निगाह मारोगे तो आपको उच्च के ग्रह सारे याद हो जाएंगे। बुध और शुक्र ये दोनों आमने सामने रहते हैं, ये उच्च का अपनी राशि में होता है, शुक्र देवता बृहस्पति की राशि में उच्च का होता है, बृहस्पति की साधारण राशि में ये उच्च का माना जाता है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि उच्च का ग्रह नॉर्मल से ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। बात कुंडली का कारक होना चाहिए या मारक होना चाहिए वो स्थिति हम बाद में डिस्कस करेंगे, बेसिक्स के क्रम को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा एम सिर्फ ज्ञान देना है, हर एक के अंदर जो सोया ज्योतिषी है उसे जगाना है। और ये मैं करके रहूंगा, क्योंकि मेरा ये अटल विश्वास है कि हर बंदा अगर करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। ग्रह दशा बुरी चल रही हो तो भी अगर वो पाठ पूजन करके ध्यान लगाए तो इसको सीखना चाहे तो वो घर बैठा सीख सकता है। एक और दर्शकों, आपको आज से खुशखबरी दे दूं, बहुत से लोग आते हैं, सर आपका टाइम हमें सूट नहीं करता, आप सुबह आते हो, हमें टाइम प्रॉब्लम होती है, हमें जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है या जल्दी फैक्ट्री जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करें, आपके इंस्टीट्यूशन भी नहीं आ सकते क्योंकि हमारे टूर वगैरह लगते रहते हैं। तो ऐसी कई प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, मुझे ऐसे कई कॉल्स आए तो मैंने अपने सीनियर्स के साथ बैठ के उसको डिस्कस किया, अपने स्टाफ के साथ बैठ के उसको डिस्कस किया, तो हम ये नतीजे पे पहुंचे, जितनी हमारी इस प्रोग्राम की सीरीज बन रही हैं वो आप इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा शुल्क देके प्राप्त कर सकते हो, और जब आपको कन्वीनियंट लगे घर में बैठकर देख करके उसे अपने ज्ञान में जोड़ सकते हो। अच्छा ज्योतिषी बनना आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे समाज के लिए जरूरी है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आप खुद को सही कर पाओ, ना सिर्फ खुद को, आपके साथ जुड़े और 10 लोगों को सही कर पाओ। इसको याद करने का एक सिंपल सा फार्मूला बना लीजिएगा, ये टिप्स पे हो जाएगा, इसे रोज सुबह शाम दो बार पढ़ते जाइएगा, ये ऐसे ही आपको टिप्स पे होता चला जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी में अगर और मैं थोड़ा सा इजाफा करूं, अगर यहां से आप 7 नंबर लिख देंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर इन नंबरों को
इन राशियों को आप मिटा के यहाँ 7 नंबर कर देंगे और 7 से कुंडी ड्रॉ कर लेंगे तो ये सारे ग्रह नीच के हो जाएंगे, है ना दर्शकों? मजेदार बात, वही ग्रह उच्च के हैं वैसी ही कुंडली ड्रॉ करो, सिर्फ ये नंबर बदल दो। या इससे और एक आसान तरीका समझ लो, जितने नंबर पे सूर्य उच्च का हुआ अगर उसमें 6 नंबर प्लस कर दिए जाएं तो जो राशि आएगी वो उसकी नीच राशि होगी। जैसे मान लीजिए सूर्य 1 नंबर में उच्च का हुआ, 1 + 6 = 7, तो 7 नंबर में सूर्य नीच का हो जाएगा। 2 नंबर में चंद्रमा उच्च का, 2 + 6 = 8, 8 नंबर में चंद्रमा नीच का हो जाएगा। 4 + 6 = 10, 10 नंबर में बृहस्पति नीच का हो जाएगा। या 6 नंबर, 6 में जमा 6 किए 12, यहां बुध नीच का हो जाएगा। इसको और आसान करने के लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर इस तरीके से कर लोगे और भी ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझना कि उच्च के ग्रह में 6 प्लस करो, जो राशि आए वो उसके नीच ग्रह की राशि हो गई। तो ज्योतिष विद्या एक समझने की बात है, ग्रहों का खेल नहीं है ये, हम खुद ग्रहों के हाथ की कठपुतली हैं। बात समझने की है, बात सोचने की है, बात ध्यान देने की है कि हम लोग कब तक इसी तरह धक्के खाते रहेंगे पंडितों के लिए, कब तक पंडितों के पीछे भागते रहेंगे अपनी कुंडलियों को लेकर के। खुद सीखना है, आपसे अच्छा आपका कोई वेलविशर और नहीं हो सकता, ना कोई पंडित, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई विद्वान। जो आप अपने लिए सोच सकते हो कोई और आपका सगा संबंधी पंडित विद्वान नहीं सोच सकता। सबसे पहले वो ये सोचेगा इसका दिमाग कहां से खराब करूं, इसके पैसे कहां से लूं, इसको क्या चीज ऐसी बताऊं जो वहम शुरू हो जाए इसके दिमाग में। हमें सिर्फ इस विद्या को फैलाना है, सही दिशा देनी है। सही दिशा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह से नीच ग्रहों की स्टडी कर लीजिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर कर लोगे तो यही ग्रह नीच के हो जाएंगे। इसकी कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, इसके साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपको अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम कितने हो पाते हैं। थोड़ी सी नीच ग्रहों की और डिटेल बता दूं, नीच ग्रह का मतलब होता है ग्रहों का बुरा रिजल्ट देना। उच्च ग्रह बाध्य हो जाते हैं अच्छा रिजल्ट देने के लिए, नीच ग्रह बाध्य हो जाता है बुरा रिजल्ट देने के लिए। जैसे कोई इंसान ठेके पे जाके बैठ जाए, वो नीच जगह चला गया तो वो सदैव बुरा रिजल्ट देगा। अगर सूर्य यहां नीच का हो जाएगा कभी पूर्णता जिंदगी में अच्छा फल नहीं देगा, सदैव नीचता के फल देगा। शनिदेव 1 नंबर में बैठे हो अगर नीच के हो जाएंगे तो सदैव बुरा फल देंगे, कभी अच्छा फल नहीं देंगे। जाते जाते आपको टिप ऑफ द डे दे दूं, किसी की भी नौकरी में प्रॉब्लम आ रही हो, सीनियर ऑफिशियल्स नाराज हो रहे हो, बॉस से बनती ना हो, बॉस उसको काम किए का सही रिवार्ड समझता ना हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही हो, फाइनेंशियल पे ना मिल रही हो ऑफिस से, बॉस उस चीज़ को उसकी काम किए को निग्लेक्ट कर रहा हो, उसे अवॉइड कर रहा हो, तो सारी चीज़ों का एक रामबाण इलाज सिर्फ इतना समझ लीजिए, आप रोज नियम से बिना नागा सूर्य के उदय होते ही उसे प्रणाम जरूर कीजिए, हाथ जोड़ के नमन कर दीजिए, हे सूर्यदेव अपनी कृपा दृष्टि अपनी दया दृष्टि मेरे ऊपर मेरे परिवार पर सदैव बनाए रखें। एक बहुत रामबाण इलाज है, लॉन्ग रन में ये करते रहिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य देवता सारी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते हैं, उसके रिगार्डिंग ये हमें सदैव अच्छा दान नहीं करना है, जल नहीं देना है, नग नहीं पहनना, सिर्फ प्रणाम करना है ईस्ट की तरफ फेस करके। आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं और ये मंगल कामना करता हूं आप सबके लिए कि शनिदेव आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूं।